नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेगरी 6 में। और रुख करते हैं एक ऐसे रिक्रूटमेंट की तरफ जो कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की, जहां से डाक सेवकों की रिक्रूटमेंट जारी की गई है 5,476 पदों के लिए। दोस्तों यहां पे जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 5,476 पदों के लिए, उसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप 10वीं पास हैं। जी हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षण संस्थान से अगर आपने 10वीं पास या मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पर आवेदन करने की सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो 22 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक है। यानी कि आप इम्पॉर्टेंट डेट्स को नोट कर लें, 22 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा। अब ये फॉर्म किस किस क्षेत्र में यानी कि किस राज्य में इसको अप्लाई करना है, इसके बारे में अभी आपको बताना जरूरी है। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना हमारे साथ। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं। तो चैनल पे जाते ही एक रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बता दें कि YT एजुकेशन जो चैनल, इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आते हैं आपको बिहार दरोगा के रिगार्डिंग जो भी, या बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग अपडेट होते हैं, हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। देखिए अभी आज सुबह मैंने जो अपडेट किया है वो बिहार पुलिस को लेकर है। ये आज सुबह ही मैंने करंट अफेयर का एक सिनेरियो अपडेट किया है जो कि 100 क्वेश्चन का सिनेरियो होता है। दोस्तों ये सुबह के 10 बजे आपको मिलता है, शाम को 5 बजे के बाद आपको मिलता है। दोस्तों ये बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का MCQ, जिसमें GK, GS, स्टैटिक GK और आपका जो करंट अफेयर है उसको इंक्लूड करके दिया जाता है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए। तो यहाँ पे सेट नंबर 31 है। इन सभी का PDF डाउनलोड करने के लिए आप एजुकेशन की और YT एजुकेशन को भी वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, ताकि हर वो वीडियो का PDF हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ जो भी अपडेट होता है दोस्तों इसके, जैसे कि ये देखिए स्टैटिक GK का टॉपिक है, अलग से भी देते हैं यहाँ पे आपको, ताकि कोई भी चीज़ों का दिक्कत ना हो सके, है ना। और ये देखिए एक स्टैटिक GK ये भी है हमारा नोबेल प्राइज़ को लेकर। तो इन सभी वीडियोज़ को जाके देखें आप लोग, एटलीस्ट कम से कम पता लगेगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आप SSC, रेलवे, बैंकिंग हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों के साथ। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं दोस्तों आज के इस खबर, जो कि 5,476 पदों से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इसकी खबर पे, जो कि यहाँ पे हिंदुस्तान खबर में निकाली गई है दोस्तों। और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का ये वैकेंसी देखिए 2019 का है, और यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग 10वीं पास के लिए छप्पड़ फाड़ कर भर्तियाँ निकाली है। इंडियन पोस्ट में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो सर्कल है, इन तीनों सर्कल में इसकी रिक्रूटमेंट जारी की गई है। दोस्तों डाक सेवकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन तीनों सर्किल में करीब 5,476 वैकेंसी निकाली गई है। आंध्र प्रदेश की सर्कल की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वेरियस सर्कल के वेरियस पोस्ट बताए गए हैं, 2,707 पोस्ट हैं। छत्तीसगढ़ सर्कल की बात करें तो 1,799 पोस्ट हैं, और तेलंगाना की बात करें तो 970 वैकेंसी है। इन सभी के लिए, इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है दोस्तों आपको ये 12 अक्टूबर से एक्चुअली शुरू होगी, ठीक है, शुरू हुई नहीं है, शुरू इसका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया आपको 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की और फीस भुगतान की तिथि है 14 नवंबर अंतिम तिथि है, यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 14 नवंबर। इससे पहले आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, अन्यथा आप इसे चूक जाएंगे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही करना है, ठीक है, आप ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना है, ऑफलाइन मोड पे नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM असिस्टेंट ब्रांच और पोस्ट मास्टर डाक सेवकों की भर्ती है। तो जो वेरियस पोस्ट है दोस्तों ये आप जान लीजिए, पहला है दोस्तों BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। ये तीन वेरियस पोस्ट हैं दोस्तों जिसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में गणित और अंग्रेजी में पढ़ी होनी चाहिए, अनिवार्य है। और इसके अलावा जिस सर्कल में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन कह दी गई है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं जिस क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र के जो स्थानीय भाषा है वो आपको बोलने
आनी चाहिए। अब देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हिंदी राष्ट्र के छात्रों के लिए दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ पे एक जोन है दोस्तों, जहाँ पे 1799 पदों की वैकेंसी है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी स्थानीय भाषा, देखिए हिंदी है तो हिंदी लोग समझते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। लेकिन इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शायद हिंदी समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आप हिंदी राष्ट्र से हैं तो, हिंदी राज्यों से हैं तो, जैसे कि आप यूपी, एमपी या बिहार या फिर दिल्ली से हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आवेदन करना, तो आप छत्तीसगढ़ के लिए जो जोन है हमारा, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आयु सीमा की बात की गई है, एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 18 से लेकर 40 साल तक। सरकार के नियमों के मुताबिक जो आरक्षण का छूट मिलेगा, आरक्षण के अनुसार, वो यहाँ पे जरूर दिया जाएगा। चयन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, कोई परीक्षा नहीं होगी इसकी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा, 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर। अगर किसी भी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ये कोई मायने नहीं रखेगा, और सिर्फ 10वीं पास के मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी आपके पास अगर MBA या MTech या BTech की डिग्री है तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास अगर जिस मार्क्स के साथ आप किए हैं तो उसी से आपका ये रिजल्ट बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। दोस्तों, जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए, वो indianpost.gov.in पे या फिर apopost.in/gds ऑनलाइन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, और यहीं से आवेदन करना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप वहां पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इस जो खबर मैंने आपको दी है, ये कितनी सच है, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जो वैकेंसी निकाली गई है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, apopost.in। ये अभी मैंने आपको बताया, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों, ये देखिए, ये आपका जो वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये तीनों ही जोन के लिए, तीनों ही क्षेत्र के लिए, यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए सारी डिटेल आपको बताई गई है। दोस्तों, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक है। यहाँ पे सबमिशन करना है, पर फॉर्म का जो भरने का जो लास्ट डेट है, वो आपको 14 नवंबर तक फाइनली सबमिट कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। तीन स्टेप में आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में पेमेंट लिया जाएगा, और लास्ट में आपका जो होगा दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स जो हैं, आप जिसके लिए आवेदन करेंगे, वहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं इन सभी का, दिल्ली, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु का, यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है इन सभी का, ठीक है। और ये जो दोस्तों है आपका रिक्रूटमेंट का वो नोटिफिकेशन है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, खैर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है दोस्तों, अब जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, या रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद फ़ीस पेमेंट लगिएगा यहाँ पे, जितना भी फीस लग रहा है आपका, मैक्सिमम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है फाइनली आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर के सबमिट करने का। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है वो नोटिफिकेशन जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। सैलरी यहाँ पे बता दी गई है दोस्तों, आपको सैलरी 14,500 हो सकती है, और ABPM और डाक सेवक की सैलरी 12,000 रुपये होगी। और एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी ये रहेगी, 18 से 40 साल तक एज लिमिट रहेगा, जो कि सारे डिटेल मैंने अभी न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, यहाँ से आप एक बार पूरा डिटेल यहाँ से पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऑफिशियल है। और आप अपना जो सेंटर है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द सर्कल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, खैर ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तीन सर्कल में ही आपका यहाँ पे रखा गया है। सेंटर आपका उसी स्टेट में पड़ेगा जिस स्टेट से आप आवेदन करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिए, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको यहाँ से दे चुका हूँ। और ये देखिए, और दोस्तों इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सीधी भर्ती है, आपके टेंथ के बेसिस के एग्ज़ाम पर, मतलब जो मार्क्स पे है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा यहाँ पे, है ना, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे आपका। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है दोस्तों, कि जो भी आपका ग्रेड बनेगा, है ना, या पॉइंट्स बनेगा, जो भी रिमार्क होगा आपका, उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे
सिलेक्शन किया जाएगा, जिसका भी ज़्यादा होगा नंबर उसकी कहीं वेटेज दिया जाएगा, उसी को यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा लिंक में भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद आवेदन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।